हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटी में यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने भाग 2 को पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पढ़ा था। ठीक है, सिटीजनशिप। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सिटीजनशिप। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाग 3, जिसमें हम देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं मौलिक अधिकार, इसमें क्या आता है आपका, अनुच्छेद नंबर कितने से कितना होता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक आता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हो मौलिक अधिकार, मीन्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं पहला पॉइंट, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था दुनिया में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में की गई। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया। ठीक है, किस बिल से जोड़ा गया, तो बिल ऑफ राइट। दूसरा, भारत में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कुल 24 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, मीन्स 35 और 12 का जब डिफरेंस आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 23 और 12 को भी कंसीडर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मतलब 24 अनुच्छेद, मतलब 12 से लेके 35 तक 24 अनुच्छेद हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ठीक है, अर्थात यदि इनका उल्लंघन होता है तो इन्हें न्यायपालिका में ले जाया जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार, मतलब सबका फंडामेंटल राइट है जीवन जीने की, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उस पर किसी को प्रॉब्लम होती है तो सीधा जाके न्यायपालिका में, मीन्स कोर्ट में जाके आदमी के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है कि ये इंसान, ये आदमी मुझे तंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है जीवन जीने का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है, तो ये बात आपको पता चल गई होगी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था वो भी क्या था, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया, एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ। ठीक है, कब, 1979 में, जिस बिल से ये निकाला गया, ये निकल के आया कि जो संपत्ति का अधिकार होगा वो मौलिक अधिकार नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एक कानूनी अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही रह गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार, क्योंकि 7वां तो हटा दिया गया संपत्ति का। अब बचा क्या आपका, समानता, मीन्स इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अनुच्छेद, देखो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपका, इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसे याद रखना है इसको, तो ये ध्यान रखना, ई का मतलब ABCDE, 5वें नंबर पे आता है, तो 5 को अगर ब्रेक करते हो तो 1 और 4 लिखोगे, भाई 1 और 4 तो 5 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब 5 का मतलब ये 14, तो 14 से स्टार्ट होगा और कितने जाएगा, 5 जाएगा, तो 14 से 5 जोड़ लो फटाफट। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, तो समानता का तो जो अधिकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 से लेके 18 आर्टिकल तक में डिस्कस किया गया है समानता, इक्वालिटी। ठीक है, अनुच्छेद, और दूसरा कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या किया गया है, जो मनुष्य की स्वतंत्रता है उसमें 19 से लेके 22 तक दिया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण ना हो किसी का, इसके लिए आर्टिकल नंबर 23 और 24 बनाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता की सब लोग अपनी पूजा, मतलब अपने देवी देवता को जो भी हैं वो मान सकते हैं, उस पर किसी का राइट्स नहीं है, उस पर सबका ही राइट्स है जो मानता है उसको। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। धर्म से रिलेटेड तो उसके लिए अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक लिखा गया है। फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आर्टिकल नंबर 12, इसमें क्या किया गया, राज्य की भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 13, राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा, मींस ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगा जिससे
मौलिक अधिकार कम हो जाएं या मौलिक अधिकारों का हनन हो, ऐसा कोई रूल पारित नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 12-13 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 14-18 तक, जिसमें आ जाएगा आपका इक्वालिटी, समानता का अधिकार। 14 में क्या किया गया है, 14 में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में एक किया गया विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, मतलब विधि के सामने जो न्याय है, जो नियम है, उसके सामने समानता होनी चाहिए सबको। दूसरा, सबका समान संरक्षण किया जाना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 14 कहता है। दूसरा, अनुच्छेद नंबर 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब किस धर्म का है, अगर धर्म से उसको आप उस पर विभेद करते हो या उस पर लांछन लगाते हो कि नहीं ये तो ये इस जाति का इधर नहीं बैठना, ये सब बिल्कुल गलत बात ही है। ठीक है, किस जाति का है, जाति वगैरह भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, मतलब आप जानते रहो, लेकिन ये उसके आधार पर अगर उस पर प्रतिषेध लगाते हो कि हाँ तुम इस जाति के हो, मंदिर में नहीं जा सकते, तो बिल्कुल गलत है ये। तो इसमें लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 15 में। अनुच्छेद नंबर 16 में लिखा गया है लोक नियोजन के में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि संसारी चीज़ों में सबको समान अवसर दिया जाएगा, सरकारी चीज़ों में। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत जिसके बोलते हो। ठीक है, तो अस्पृश्यता को संसद द्वारा गैर संवैधानिक घोषित किया जा चुका है। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम पारित किया, इसका वर्तमान नाम नागरिक संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, मीन्स उपाधियों का अंत किस में किया गया है, आर्टिकल नंबर 18 में। बस रफली आपको ऐसे देखते चले जाना है, आपको समझ में आ जाएगा फिर, बस इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ वन लाइनर में ऑप्शंस में आ जाते हैं, आप कर ले जाओगे, सुने रहोगे तो भी। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से लेके 22 तक है। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या लिखा गया है, इस अनुच्छेद में मूल संविधान में, ठीक है, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार की ही स्वतंत्रता रह गई। कौन कौन सी 6, बोलने की, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, भ्रमण करने की, निवास करने की, कहीं भी रह सकते हो, व्यवसाय करने की, इस ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह गई हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, 20 अपराधों के लिए दोहरे दंड से सुरक्षा देता है। ठीक है, कि जैसे आप मान लो किसी के ऊपर 302 है, ठीक है, 302 मतलब मर्डर का केस है, तो चाहे आदमी एक मर्डर करे या 10, लगेगा 302 ही। ठीक है, तो यही बात बताई गई है कि एक आदमी के ऊपर दो सेम दंड नहीं लगाया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, अपने जीवन को और अपनी शरीर की सुरक्षा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद नंबर 21। जीवन का अधिकार इसमें शामिल है और समय के साथ इसकी भाषा बदलती गई है। ठीक है, 1978 में मेनका गांधी वाद में मानव गरिमा को जीवन के अधिकार में जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, 6-14 वर्ष के बच्चे प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार हो जाता है उनका। ठीक है, प्राथमिक और फ्री में शिक्षा देना ये गवर्नमेंट का काम है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद से फिर 6-14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा फ्री कर दी गई है। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तार और निवारक निषेध कानून के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 22 में, कि जिसको आप मान लो पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसका अरेस्ट करने के बाद उसका भी कुछ अधिकार होता है, तो वो अपने वकील वगैरह कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें अनुच्छेद नंबर 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 में क्या है, मानव व्यापार का प्रतिषेध और खा में बलात् श्रम, मतलब बच्चों से श्रम ना कराया जाए, ठीक है, इस पर प्रतिशोध है, जिसे आप बंधुआ मजदूरी अधिनियम बनाया गया 1976 में कि बच्चों को मजदूर नहीं बनाया जाए। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 24 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 24 में लिखा गया बाल श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 23 और 24 को। नेक्स्ट आ जाता है आपका 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, तो किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
आर्टिकल नंबर 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 कहता है किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में किया जा रहा हो। मतलब किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला जा सकता है कि नहीं तुम इस धर्म को मानो ही मानो, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 27 उसको स्वतंत्र एक तरीके से स्वतंत्रति करता है कि हाँ तुम स्वतंत्र हो, तुम जिसको चाहो मानो, नहीं चाहते किसी को मत मानो। 28 कहता है अनुच्छेद नंबर कि धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है, जैसे राज्य की शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है, किसी एक धर्म की शिक्षा को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 कहता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। तो इसमें क्या है, नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा लिपि या संस्कृत है इसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 कहता है कि अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यक कार्यों के लिए, ठीक है, माइनॉरिटी वर्गों के लिए है ये, ठीक है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। ऐसी शिक्षण को सहायता देते समय भेदभाव नहीं करेगा कोई, मींस स्पेशली अल्पसंख्यक मींस EST के लिए, ठीक है, शेड्यूल्ड जो आप कहते हो ना माइनॉरिटी कैंडिडेट ऐसे के लिए, ठीक है। अच्छा आगे की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 कहता है अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हृदय और आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती होती है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, बंदीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, सामान्य काल में मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है, लेकिन आपातकाल में इसमें कटौती की जा सकती है, ठीक है। आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगती है देश में, तब की बात की जा रही है। किसी की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 में कटौती नहीं की जाती है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियोज अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।